अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिए हुए? दो मैट्रिक्स दिए हुए, एक ए दिए हुए, वन टू फोर सिक्स, बी दिए हुए, थ्री माइनस वन टू माइनस टू, थ्री टू माइनस वन माइनस टू। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट में ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई, यानी इन तीनों को इक्वल करना है। पहले हम इसके ये वाला पार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू ए लिख दें, जैसे ए लिखा हुआ इसी तरह लिख दें, वन टू फोर सिक्स, फिर ब्रैकेट एट ब्रैकेट एडजाइंट ऑफ ए, ए की वैल्यू पुट कर दें, वन टू फोर सिक्स पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या आ रहा है? पहले हमें इसका एडजाइंट लेना है। एडजाइंट में क्या होगा? यानी डायगनल एलिमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, सिक्स चला जाएगा वन की जगह और वन नीचे आ जाएगा, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट हम उनकी साइन चेंज कर देंगे, यानी फोर प्लस का तो माइनस का फोर, माइनस का टू आ जाए। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आपको याद है हमने थोड़ा लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वन को सिक्स से और फिर सेंटर में प्लस आएगा, टू को करेंगे माइनस फोर से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर यही फर्स्ट रो होगी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई माइनस टू और टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, फिर सेकंड रो को फिर उसी तरह फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर को सिक्स से और प्लस सिक्स को माइनस फोर से, सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम फोर माइनस टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई में वन, ये मल्टीप्लाई। अब सिंपल है, अपग्रेड करना हमें, सिक्स वन टाइम सिक्स माइनस टू फोर टाइम एट, माइनस टू प्लस टू फोर टाइम सिक्स टाइम ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू, ये इसका आंसर आ गया ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए। सेकंड नंबर पर हम ये इसका पार्ट करेंगे, एडजाइंट ऑफ ए इनटू ए, एडजाइंट लिख लेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे, वन टू फोर सिक्स ये ब्रैकेट में, फिर ए की वैल्यू लिख देंगे वन टू फोर सिक्स। अब हम ये इसका ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए लिखा हुआ, पहले एडजाइंट लेंगे फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एडजाइंट ए डी जे लिख के ए की वैल्यू पुट कर दी, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, बाहर ए लिखा हुआ ए वैल्यू पुट कर दी, एडजाइंट लेंगे क्या होगा, इसकी वैल्यू सिक्स और वन आपस में डायगनल एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट आपस में चेंज, माइनस फोर माइनस टू, और इधर भी ऐसे वन टू फोर सिक्स। अब मल्टीप्लाई कर दें, सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फोर, सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई फोर, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स। सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन क्या होगा? सिक्स माइनस एट
ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, माइनस फोर प्लस फोर, माइनस एट प्लस सिक्स, माइनस टू जीरो, जीरो माइनस टू। इन दोनों का आंसर देखने सेम आ रहा है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का वैल्यू, एडजेंट ऑफ ए और ए की वैल्यू भी आंसर सेम आ रहा है। अब आपने आंसर दोनों के याद रखने हैं, मैं ये आंसर लिख देता हूँ। अब हम इसके थर्ड पार्ट जो करेंगे वो इतनी प्लेस नहीं है हमारे पास। यानी सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस टू जीरो, जीरो माइनस टू, और एडजेंट ऑफ ए इंटू ए की भी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। अब रेस कर दें, अब इसकी थर्ड साइड रहेगी, थर्ड साइड में लिखा हुआ क्या है, थर्ड साइड में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बिल्कुल सेपरेटली। डेट ऑफ ए इंटू आई, डेट ऑफ ए का मतलब है ए का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट, डेट ऑफ ए की वैल्यू लिख दें वन टू फोर सिक्स, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर वन जीरो जीरो वन, ए का डेट लेंगे तो कैसे लेंगे आप, अभी हमने लिया हुआ है याद होगा आपको कि डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए ये लाइनें सीधी कर देते हैं, यानी इसके लिए लिख देंगे वन टू फोर सिक्स और ये सीधा आ जाएगा वन जीरो जीरो वन, वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई टू, सिक्स माइनस एट माइनस टू वन जीरो जीरो वन। अब माइनस टू आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टू वन से होगा तो माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू। इस थर्ड साइड का भी आंसर देखें वही आ रहा है जो आपने पहले निकाला था, यानी डेट ऑफ ए इंटू आई का भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू। तो यानी तीनों साइड ये इक्वल आ गए और हमने इक्वली प्रूव करनी थी, यानी इधर पहले एडजेंट बाद, पहले बाद में आ रहा है, इसमें एडजेंट पहले आ रहा है, जबकि इधर डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी ये डेट डी ई टी जो डेट लिखा हुआ है ये भी डिटर्मिनेंट का मुखफ है, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही रूल है जो हमने फाइंड किया हुआ है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं।